हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कैडमी। तो सबसे पहले आप सभी के साथ मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ पर्सनल इशू के कारण वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। इन बीच यहाँ पे दुर्गा पूजा की हॉलीडेज़ भी थे, तो उस बीच में मैं नहीं बना पाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पूजा हॉलीडेज़ काफ़ी अच्छी बीते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के सीधा जो बात करने वाले हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में जितने भी सारे गवर्नमेंट ITIs हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जिन स्टूडेंट्स की अभी न्यूली एडमिशन्स हुए हैं फर्स्ट ईयर कैंडिडेट 2021-22 सेशन के लिए, तो आप सबकी जो क्लासेस है वो कब से ओपन होने वाली है। इसके साथ साथ आप सभी की जो क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं बताऊँगा। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए। चैनल पर नए चैनलों के लिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये रहे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किए गए हैं कार्यगारिक भवन से। तो जितनी भी सारे हमारे वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ITIs हैं, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ITIs जो अंडर PPT कॉलेजेस के अंदर चलते हैं एकेडमिक सेशन अगस्त 2021 की, तो जितने भी कैंडिडेट की यहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं इस साल, चाहे ITIs की हो चाहे पॉलिटेक्निक्स की हो, तो आप सभी की जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगे इस नोटिफिकेशंस में जो हैं आप सभी को जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी की जो क्लासेस होंगे वो फिज़िकल मोड में आप सभी की ओपन होने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगुलर क्लासेस ऑफ न्यूली एडमिटेड ट्रेनी विल स्टार्ट ऑन फ्रॉम 25/10/2021। तो 25 अक्टूबर से आप सभी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या लिखे गए हैं कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी को 25 तारीख को आप सभी को यहाँ पे अपने अपने कॉलेजेस में जाना होगा। कुछ फिज़िकल रिपोर्टिंग है आप सभी का, वो ज़रूरी है आप सभी को करना। जैसे कि अगर आप ITI के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप M ग्रुप के लिए अप्लाई किए हैं या आप E ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आप E ग्रुप ट्रेड से एडमिशन्स लिए हैं, तो जैसे कि मार्कशीट्स ऑफ क्लास 8 की सेल्फ असिस्टेड कॉपी जितने भी सारे आप सभी की हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, स्कूल डॉक्यूमेंट, सभी कुछ आपको कैरी करना है। वैसे ही यहाँ पर M ग्रुप की भी जो है ट्रेड्स की, उनको भी यहाँ पर कैपी करना होगा, ठीक है। तो ये आप सभी को 25 तारीख को जो है आप सभी को अपने अपने कॉलेजेस में जाना है फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन्स होंगे कि आप सभी की जो क्लासेस होंगे यानी स्टडी होंगे वो ऑफलाइन मोड में होगा या वो ऑनलाइन मोड में होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ आप सभी की जो क्लासेस होने वाली हैं वो आप सभी के ऑनलाइन मोड में ही होंगे, चाहे आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हों चाहे आप ITI के स्टूडेंट हों। लेकिन इनमें से कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, जैसे कि ITI स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए आप चिंता मत कीजिए। जब जब आप सभी के प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे आपको कॉलेज जो है वो इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, उसी दिन आप सभी की प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। और जितनी भी सारे आप नई एडमिशन्स लिए हैं, चाहे ITI के हों चाहे पॉलिटेक्निक के हों, आप सभी के लिए एक कॉलेज की तरफ से ग्रुप बना दिए जाएंगे, उस ग्रुप में ही जो है आप सभी को इन्फॉर्मेशन्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस इन्फॉर्मेशन्स में आप सभी को सब कुछ इन्फॉर्म में कर दिया, ठीक है। आप सभी के फिज़िकल रिपोर्टिंग होनी है आप सभी के 25 अक्टूबर को, तो बी रेडी रहिए। जितने भी सारे ITI के स्टूडेंट हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।